मैं हूँ, ये हमारा खेत है और यहाँ रुपाई हो रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त। तो आज से हमारी रुपाई शुरू होने वाली है, तो मैं अभी जा रही हूँ खेत में बीज निकालने के लिए। तो जुड़े रहना मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, पूरा ब्लॉग देखना, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो अब मिलती हूँ मैं आपको खेत में। आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, धूप है, धूप में तो बड़ी आफत आती है, बारिश होती तब आता मज़ा रुपाई लगाने का। तो अभी चलते हैं खेतों की ओर, मैं तो वहीं थक गई दौड़ते दौड़ते आई इसलिए। ये हमारे खेत दिख रहे हैं सामने वाले, इन्हीं में रुपाई लगेगी। यहाँ कुछ खेतों में रुपाई लग चुकी है, ये हमारे नहीं है, ये गांव वालों के हैं। ये हमारे खेत हैं, यहाँ पे अभी जस्ट पानी भरने के लिए रखा होगा। इधर खेत में पानी भरने के लिए बूबू पहले आ गए थे, तो बूबू उधर शायद काम कर रहे हैं। पूरा पानी पानी हो रहा है, पाँव भी पूरे डूब रहे हैं इसमें, पूरे गहरे जाएंगे पाँव। इनमें चलने में बड़ी आफत आती है, तो भाई पाँव तो पूरे ही डूब रहे हैं इसमें, क्या होगा। यहाँ पे एक नेपाली दीदी आई है रुपाई लगाने के लिए। ताई जी खड़ाची बीन, हाँ मेरी छी जरफर, यही लग रहा न, कब लून छो तुम्हारे वो नहीं। अच्छा लास्ट ले फर्स्ट ले आ जाओ तुमरा, लास्ट ले फर्स्ट ले आ जाओ तुम्हारा हनुमान। ये हमारे रुपाई के बीज हरे भरे हो रहे हैं, ये दीदी उखाड़ रही है यहाँ पे, मैं तो पूरी भीग गई हूँ। जा पानी हो रहा है, इतना बड़ा खेत है, इसे पूरा उखाड़ना है अभी हमने, फिर इसमें भी रुपाई लगेगी। मैं अपने लाई थी एक पत्थर, ये भी डूब गया, इतना गहरा पानी है यहाँ पे। अपने में तो कपड़े भीग गए यार, क्या करूँगा अब, छिछी आज तो मैं पूरी भीगने वाली हूँ ऐसा लग रहा है। ये भव्यों के घास से इसे बांधा जा रहा है, इसको बांध के रखना पड़ता है, जैसे बांधे हैं ये एक एक करके, इन्हें सारे इन्होंने उखाड़े हैं सब, बाकी थोड़े ऊपर पे सजा के रखे हैं ताकि इसमें से थोड़ा पानी निसर जाए, कम हो जाए, इसीलिए रखे हैं ऊपर। बाकी इधर पानी लगाया हुआ है, वैसे मैं पहले भी आई थी, थोड़ा सा मैंने पहले उखाड़ा था, अब मैं दोबारा आई हूँ, फ़ोन घर ही रह गया था तो मैं फ़ोन लेने घर गई थी। तो अब खाली बैठ के तो होगा नहीं, मुझे तो निकालना ही पड़ेगा बीज, तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा बीज निकालने के बाद। ये हमारे पूरे खेतों का नज़ारा है यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा बीज निकालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। रुपाई लगती है आषाढ़ के महीने में, अभी थोड़ा बारिश की कमी है तो थोड़ा पहले लग रही है वैसे रुपाई इस बार ना, आषाढ़ का महीना लग गया ना, हाँ इस बार बारिश नहीं हो रही आषाढ़ के महीने में, पिछली बार तो अभी तक हमारी रुपाई ख़त्म हो गई थी, इस बार थोड़ा लेट लग रही है, बीज भी इस बार थोड़ा लेट रखे क्योंकि बारिश नहीं हुई थी इस वजह से। चाची आगे तो पैट होने ली तो मानता जल आठ पैट थी आज, और हाल पाँच पैट है जाने, और हाल पाँच पैट तक है जाओ, वही कब है पे अगला है कि किसी को क्या चाहो। कैसा लग रहा है आपको रुपाई में? अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे हैं, हाँ बैठो भी ढूंग में। यहाँ चाहो। मैं तो पढ़ा ही ढूंगा डूबू मैंने कहा मैं तो पूरी भिज गई हूँ आज ना 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 ना।
लाओ। एक खेत नीचे है तो बीज थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा, वहां लगा के फिर इधर लगेगी सारी। हरे हरे आओ गोड़ आएगी वाले। चप्पल जाइए फिर अले आई उन भी मिली मेरा पुरवा ये सुन तो हल्ला की वाली चप्पल ए मैं चप्पल काम कर रहा खैर जा तत्ती रोल कोई नहीं ले यहां पर चप्पल को ले जा मैं चप्पल पहचान लगा दी यहां अपन के लग गया ₹1 की बात बढ़ रहा है मेरे गाड़ में तो फट बढ़ लगा दी ना कौन बोल रहा है बड़ी पहले तीम अपन कपाल लगा लाई ये लगा पिठारी जिनके पास मतलब पू करनी भाई पिठान गुन भाई लग है ना लग गई लग गई लग गई लग गया है पिठा शुरू करते हैं अब पूता डालना। मुझे लग गई है भूख, अब मैं जाती हूँ घर खाना खाने, उसके बाद आती हूँ फिर से रुपाई लगाने। मेरे कपड़े भी पूरे भीग गए हैं, मैं पैंट भी चेंज करके आऊँगी अपनी, तो खाना खा के चाय लेके आऊँगी अब मैं खेत में। हल्के हल्के यहाँ बादल भी मंडरा रहे हैं, क्या पता आज बारिश हो जाए शाम तक, पूरा बादल लगा हुआ है आसमान में ये, तो शाम तक बारिश हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि बारिश होगी तो थोड़ा ठंडा होगा और फिर रोपाई लगाने में गर्म भी नहीं होगा। A few moments later. तो अब चलते हैं फिर से खाना खा के खेत की, और ये मेरा पानी का जार है, चाय तो कोई ले गया है, पानी का जार ले जाऊंगी अब मैं, प्यास भी बहुत लगती है खेत में। अभी मेरी शक्ल थोड़ा ठीक हो गई है कि मैंने खाना खा लिया है, मुझे तो बहुत ही भूख लग गई थी। थोड़ी देर बाद खेत में भी आ जाएगा खाना, खेत में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो अब सीधे मिलती हूँ खेत में आपसे। लगे धान लगन भाड़ खोला सब मैं सुनिए कठ करनू नूना चढ़ूल गो नूना चढ़ूल देवतान जूला अमर भल कराल देवा था सब ना आशीर्वाद जूला। अभी चल रहे हैं यहाँ छोटा सा लंच ब्रेक चाय का, यो टी ब्रेक को ना गजब बेइज्जती है टी ब्रेक चाय की चुस्कियों के साथ। बब्बू लगा जाए घर अब ये चला हमारा लंच ब्रेक।
धीरे धीरे खाना अभी बहुत डालने हैं पोते होते हाँ। खाते रहो पोते डालते रहो चाची के ताई के तो बोलो पे अब कहो खेत में कितना मजा आता है वाला डायलॉग अब बोलो चटनी का हो अरे चटनी भी लाए हैं बाबू इनको भी दे दो चटनी टीम लेट है खाओ ये आपकी सब्जी है रोटी खत्म हो गई अब चटनी तो दिखाओ भांग की चटनी पानी ये रही मेरी स्पेशल कटोरी तो डाल दे रशार अम्मा है हमारी बांटने वाली अरे कहना क्या चाहते हो अब ना खाई मेरा बर्बाद हो रही अब बल दे पालनू खालू खावा यहाँ देखो चाचियो ताइयो वहाँ पर इतनी स्पीड है तुम्हारे हाथों में हमारे वहाँ भी आ देना कल को बोलो ना फिर कुछ आप लोग शांति पूर्वक लगा रहे हो आप लोग तो हमारे वहाँ तो इतना हल्ला हो रहा है हमारे यहाँ लोग हमारा खत्म होगा फिर आ देंगे आपके वहाँ एक टोली नीचे है एक टोली पूते डाल दी है अब सब ने खाना खा लिया है अब फिर सफर हमारा शुरू होता है चलो अब फिर से पूते डालते हैं ये मैं हूँ ये हमारा खेत है और यह रुपाई हो रही है बहुत मजा आ रहा है पूते डालने में कोई पलटा आना चाहता है तो आ सकता है कोई अगर नहाना चाहता है तो पानी भी बहुत सुंदर साफ स्वच्छ सुशील हो रहा है सो गाइस 6 बजने को है सूरज भी जा रहा है अपने घर की ओर हम भी जाते हैं अब अपने घर की ओर हमारी रोपाई हो गई है ख़त्म दिन पहुंच गया है धार में अब हम भी चलते हैं घर की ओर आज की रोपाई हम यहीं समाप्त करते हुए जा रहे हैं घर को तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और बहुत सारा प्यार हमारे ब्लॉग को देना आज का ब्लॉग हम यहीं एंड कर रहे हैं सो गाइस बाय बाय टेक केयर लव यू